आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जो चल रहा है, उस पर कुछ अपने विचार देना चाहती हूँ। एज यू ऑल आर अवेयर दैट द क्वेश्चन ऑफ वेदर इंडिया शुड हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड और नॉट, इस पे बहुत डिबेट्स चल रहे हैं एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स इशू ऑल्सो, जिस पर हर चैनल पे, हर न्यूज़पेपर में रोज ही एक-एक टिप्पणी दिखाई देती है। तो जैसा हम जानते हैं कि इंडिया करेंटली डिफरेंट पर्सनल लॉज को फॉलो करती है, डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के जो लॉज हैं उनको फॉलो करती है, चाहे वो हिंदूज के लॉ हो, मुस्लिम्स के हों, क्रिश्चियंस के हों या पारसीज के हों। तो वी आर फॉलोइंग दी डिफरेंट पर्सनल लॉज फॉर डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज एंड हर कम्युनिटी के अपना एक सेट ऑफ लॉज हैं जो उनके मैरिज से रिलेटेड, उनके डिवोर्स को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर या दूसरे जो पर्सनल अफेयर्स हैं उनसे लेकर जो मुद्दे हैं उनको वो गवर्न करते हैं। सो ईच कम्युनिटी हैज इट्स ओन सेट्स ऑफ लॉज। जब यूसीसी इंप्लीमेंट करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो वी से दैट इट वुड प्रमोट द जेंडर इक्वालिटी, इट वुड प्रमोट द सोशल जस्टिस एंड नेशनल इंटीग्रेशन, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो डिस्पैरिटीज को समाप्त कर देगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जो प्रेवलेंट हैं पर्सनल लॉज में, उनको भी समाप्त कर देगा। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है कि यूसीसी होना चाहिए, क्योंकि इट इज सेड दैट कि यूसीसी विल एंश्योर द इक्वल राइट्स एंड इट विल प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल द सिटीजंस रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस एफिलिएशन, की वो किस रिलीजन के हैं, उनका धर्म क्या है, वो किससे जुड़े हुए हैं, इसका कोई जो भी उसमें उनके राइट्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करेगा। सो दे बेसिकली बिलीव दैट इट वुड हेल्प टू मॉडर्नाइज इंडिया ऑल्सो, इंडियाज लीगल सिस्टम, जो हमारा इंडिया का लीगल सिस्टम है उसको भी मॉडर्नाइज करेगा। और इंटरनेशनल फोरा पे अगर हम देखें, जो हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी जो रजीम है, उसको प्रमोट करने के लिए भी और एक प्रोग्रेसिव या एक इंक्लूसिव सोसाइटी को लाने के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है फ्रॉम दी साइड्स की, जो लोग कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने दें। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये आर्ग्यू करते हैं कि पर्सनल लॉज जो हैं दे आर डीपली रूटेड इन दी रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ देयर सिस्टम, जो हमारा सिस्टम चल रहा है पर्सनल लॉज के थ्रू गवर्न हो रहे हैं और जो उनके रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशंस हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं वो पर्सनल लॉज, एंड इफ देयर इज एनी अटेम्प्ट टू रिप्लेस देम, अगर उनको बदलने का, उनको हटाने का कोई भी जो प्रयास किया जाएगा विद दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो दैट विल इन्फ्रिंज देयर रिलीजियस फ्रीडम एंड कम्युनल ऑटोनॉमी, जो उनकी एक स्वतंत्रता है, एक जो उनकी रिलीजियस धार्मिक स्वतंत्रता है उसको किसी ना किसी तरीके से उसका ये उल्लंघन करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, बिकॉज दे आर्ग्यू दैट पर्सनल लॉ शुड बी रेस्पेक्टेड एज ए मैटर ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट्स। ये इसके लिए कोई एकता या समानता या यूनिफॉर्मिटी की बात ना की जाए, पर्सनल लॉज है तो अपने अपना जैसा चल रहा है उसको उसी तरीके से इंडिविजुअल कंसर्न में या उस कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, रिलीजियस कम्युनिटी के आधार पर ही इसको कंटिन्यू रखा जाए, बिकॉज इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री दे से, एंड ऑफ कोर्स इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री, देयर इज नो डाउट अबाउट, उसके बारे में कोई भी संदेह नहीं हो सकता है। एंड दे से दैट बिकॉज इट इज अ डाइवर्स कंट्री इट शुड एम्ब्रेस इट्स प्लूरलिस्टिक नेचर रादर देन इम्पोजिंग ए सिंगल कोड, एक सिंगल कोड को लाने की अपेक्षा जरूरी है कि जो इसका एक रूप है प्लूरलिज्म का वो लागू रहना चाहिए। लेकिन द इश्यू ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड एज वी नो इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। सरला मुद्गल के समय से, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीशन दिया था और उसके बाद कई केस लॉज आए जहाँ पर आर्टिकल 44 जो हमारे संविधान का है, जो इस बात की बात करता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, तो तभी से कहीं ना कहीं इस इश्यू पर चर्चा हो रही है एंड फ्रॉम दैट टाइम वी नो दैट दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स इशू ड्यू टू द सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व देयर इन, जो जो
रिलीजियस सेंसिटिविटीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व है उसको लेकर ये मुद्दा अपने आप में कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, और इम्प्लीमेंटेशन की जहां तक बात है यूसीसी की, वो इतना आसान नहीं हुआ है अब तक। बट जरूरत है कि जो हमारा संविधान है, जिसको हम अपना कहते हैं ना सुप्रीमा लेक, सर्वोच्च कानून, उसमें जो दी गई इक्वालिटी की बात है, उसको अब समय है कि हम उसको आत्मसात करें। दी नीड इज टू हैव अ रियल इक्वालिटी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, एंड दीज राइट्स आर अवेलेबल टू एवरी सिटीजन, एवरी पर्सन एज द केस में भी। और उस समय रिलीजन के आधार पर किसी एक को एक अधिकार मिलेगा, दूसरा अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसा कोई मेंशन नहीं है, बिकॉज द लॉ दैट कन्फर्स द राइट दैट इंक्लूड्स द राइट टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, एंड यू सी दैट इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जुडिशियरी एंड द लेजिस्लेचर ऑल्सो कि इस इक्वालिटी के राइट को, इस नॉन डिस्क्रिमिनेशन का जो राइट मिला हुआ है हर किसी को भारत के संविधान के द्वारा, तो जुडिशियरी उसको इंटरप्रेट कर रही है और लेजिस्लेचर उसमें कानून भी बना रहा है इन ऑर्डर टू अपहोल्ड दीज राइट्स व्हाइल कंसिडरिंग द नीड फॉर सोशल एंड लीगल रिफॉर्म्स। जब हम लीगल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जुडिशियरी भी अपना काम कर रही है और लेजिस्लेचर भी अपना काम करती है। बहुत से कानून आए हैं जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, जहां पर हम कहते हैं कि इक्वालिटी का राइट दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे बहुत से अनगिनत अपने जो निर्णय दिए हैं उसमें इन सब बातों को हम देखते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीशन है ये लॉ बनाने का, दैट रेस्ट विद द पार्लियामेंट टू इनेक्ट दी इंडियन सिविल कोड फॉर इंडियन सोसाइटी एज ए होल। यहाँ पर मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बनाने की बात चल रही है, उसमें हमारी संसद को एक इंडियन सिविल कोड बनाना चाहिए, बिकॉज वी आर ऑल इंडियंस एंड वी मस्ट हैव एन इंडियन लॉ। तो संपूर्ण इंडियन सोसाइटी के लिए एक इंडियन सिविल कोड बनाया जाए, एंड वी नो दैट वी आर ए सेक्युलर नेशंस, एंड आई डोंट थिंक बाय इनएक्टिंग इंडियन सिविल कोड अपनी रिलीजियस ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, मंदिर जाने के लिए, मस्जिद जाने के लिए या चर्च जाने के लिए हमारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे या हमारे रास्ते बंद हो जाएंगे। हम अपने धर्म की जो हम पूजा अर्चना करते हैं वो तो हम करेंगे। सो लेट अस अपहोल्ड द सिग्नेचर टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट कन्फर्स इक्वालिटी, इक्वालिटी अमंग ऑल, इक्वालिटी अमंग ऑल जेंडर्स। सो इंडियन पेनल कोड की ही तरह इंडियन सिविल कोड को भी आने दीजिए। रिलीजियस फ्रीडम और कल्चरल डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, ये आर्ग्यूमेंट अपने आप में वैलिड नहीं है। जब मर्डर मर्डर है, हत्या हत्या है किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म को बिलोंग करता हो, तो फिर मैरिज एडॉप्शन जैसे मैटर क्यों अलग ट्रीट किए जाएं, उनके लिए अलग कानून क्यों हो? वो भी तो आम आदमी से जुड़े हुए मैटर्स हैं, वो भी तो उनके अपने राइट्स से जुड़े हुए मैटर्स हैं। तो जब जागे तब सवेरा, अभी कोई देर नहीं हुई है। अभी एक आर्ग्यूमेंट्स ये भी आते हैं कि इलेक्शन की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं, तो इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं बिकॉज वी आर ए डेमोक्रेटिक नेशन, और डेमोक्रेसी में इलेक्शन से बड़े कोई भी फेस्टिवल नहीं होता है। तो इलेक्शन अपने आप में कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, वो आएगा, और ये हमारा सबका एज ए डेमोक्रेटिक सिटीजन, हमारा सबका ये राइट भी है कि हम वोट भी करें जाकर। सही लगता है तो सही है, अगर आपको गलत लगता है तो आप वोट मत करिए, अपने दिमाग को सुनिए, समझिए। लेकिन जो संविधान है वो सर्वोच्च रहेगा, उसमें जो इक्वालिटी दी गई है वो इक्वालिटी रहेगी, पर अगर सिविल कोड, इंडियन सिविल कोड कानून बनाने से सब एक कानून से गवर्न होंगे तो इसमें बुराई कहाँ है? दिस इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर वन और द अदर रिलीजन, इट इज फॉर ऑल द रिलीजन इन द कंट्री। तो इंडियन सिविल कोड को आने दीजिए, और अपने जो राइट्स हमको सर्वोच्च जो हमारा संविधान है उससे मिले हुए हैं, उसको एक्सरसाइज करिए, उसको एंजॉय करिए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं सभी के लिए। धन्यवाद।